वास्तविक उन्नति नहीं है, अपितु पतन करने वाली है। परमात्म तत्व सबको प्राप्त है। जहां आप हैं वही परमात्मा है। वे हमसे दूर नहीं हो सकते, उनके मिलने में देरी का कारण है संसार को महत्व देना। जिस कुटुंब में सबका आपस में स्नेह होता है वहां लक्ष्मी संपत्ति स्वतः आती है। जीव मात्र का स्वभाव है कि वह किसी न किसी का सहारा लेता है, भगवान के सिवाय दूसरे का सहारा लेता है। यह गलती होती है, इसलिए सब आश्रय छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। यह खास बात है, भगवान का आश्रय कभी छूटने वाला नहीं है। अन्य सब आश्रय छूट जाते हैं। आश्रय लेना ही हो तो बड़े का लो, छोटे का सहारा लोगे तो रोना पड़ेगा। शरणागति गीता का सार है। शरण होने के बाद फिर चिंता न करें। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर कोई भी बाधा देने वाला नहीं हो सकता। अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानना तामसी बुद्धि है। वास्तव में मूर्ति की पूजा नहीं होती, अपितु मूर्ति में पूजा होती है, अर्थात मूर्ति में भगवान की पूजा होती है। भगवान की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, अपितु अपने शरीर मकान आदि का श्रृंगार करना मूर्ति पूजा है। शुद्धि मजबूती उम्र आदि की दृष्टि से भी देखें तो मूर्ति श्रेष्ठ है। आरती दर्शन के लिए और सत्कार के लिए है। आरती से भगवान के अंगों के दर्शन होते हैं और आदर होता है। जीव का निर्माण नहीं हुआ है, यह अनादि काल से है। सृष्टि रचना का प्रयोजन है जीवों का उद्धार करना। कामना के कारण जीव चेतन होते हुए भी जड़ का दास हो जाता है। इस चाहना को मिटाने के लिए पारमार्थिक चाहना की जरूरत है। परमात्मा की चाहना हो जाए तो संसार की चाहना मिट जाएगी और परमात्मा की चाहना पूरी हो जाएगी। कामना इतना पतन करती है कि मनुष्य मनुष्यपने से गिर जाता है। जितनी कामना की उतना तो परमात्मा से विमुख हो ही गए। दूसरों की न्याय युक्त आवश्यकता पूरी करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी कामना मिट जाती है। मन वाणी शरीर से किसी का भी अहित चाहना बड़े भारी पतन की बात है। परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, अपितु जानने और मानने से होती है। स्वतः सिद्ध तत्व में करना काम नहीं आता। तत्व का कभी कहीं भी किसी के लिए भी अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। केवल उधर दृष्टि नहीं है, बस हम सबके अभाव को जानते हैं पर अपने अभाव को नहीं जानते। अपने अभाव का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। तत्व भाव रूप है, अतः परमात्मा के अभाव का अनुभव भी किसी को नहीं होता। परमात्मा कैसा है इसका पता नहीं, पर वह है इसमें संदेह नहीं है। परमात्म तत्व है, केवल इसको दृढ़ता पूर्वक मान लें तो निहाल हो जाओगे। जो अपार असीम होता है वह काला दिखाई देता है। परमात्मा के होने में संत महात्मा सबसे प्रबल प्रमाण है। वैसा प्रमाण और कोई भी नहीं है। यदि परमात्मा नहीं है तो उन संत महात्मा